नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर मैं आपके लिए एक और नया फ्रेश वीडियो लाया हूं दोस्तों। आज बात करेंगे, पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं किराना स्टोर व जनरल स्टोर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। आज बात करेंगे नहाने वाले जो साबुन आते हैं उनका जो मार्जिन होता है वो कितना होता है। दोस्तों साबुन में कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, नहाने वाले में 10-12% का मार्जिन होता है, क्योंकि 2-3 कंपनियों के सबसे ज़्यादा साबुन बिकते हैं, या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, या प्रोडक्ट ग्लैम्बर हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे और डाबर का हो, या संतूर साबुन हो, यही साबुन ऑल इंडिया में बिकते हैं और इनमें 10-12% का मार्जिन होता है किसी भी किराना स्टोर में दोस्तों, रिटेल में। तो ये लक्स साबुन है दोस्तों, आप देखोगे वीडियो में, इसमें 10-11% का मार्जिन है। संतूर साबुन पर 10% का है। ये नीचे नंबर वन साबुन है, इस पर 13% का मार्जिन होता है MRP से दोस्तों। ये लाइबो साबुन है, इस पर भी 12% का मार्जिन है। डिटॉल में भी 12% का मार्जिन होता है सोचो। सिंथोल साबुन में दोस्तों, ये गोदरेज का आता है, इसमें 10% का मार्जिन होता है। और जो भी साबुन है, डव ले लो, डव साबुन हुआ, पियर्स हुआ, इनमें भी 10% का मार्जिन है। डिटॉल साबुन में भी, लक्स में, मार्गो साबुन भी, एंकर साबुन भी, यानी कोई भी आप साबुन ले लो, इनमें 10-12% का मार्जिन होता है। लेकिन एक अलाइव का साबुन आता है दोस्तों, ये वाला मैं आपको दिखाऊं, ये दोस्तों फॉर्चून कंपनी का होता है साबुन, ये फॉर्चून कंपनी का होता है, इसमें अच्छा खासा मार्जिन है। ये 13-14 रुपये का कुछ पड़ता है और 20 रुपये बिक्री का बिकता है, काफ़ी अच्छा साबुन है। लेकिन ये कम बिकता है, सेल कम होता है, लेकिन जो ज़्यादा सेल होते हैं ऑल इंडिया का ब्रांडेड जो साबुन है उनमें मार्जिन कम है, लेकिन तेज़ी से बिकते हैं साबुन किराना स्टोर में, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़रूरत है साबुन। ये आए दिन गर्मी में बहुत ही ज़्यादा बिकता है दोस्तों, मार्जिन कम है लेकिन सेल ज़्यादा है। दोस्तों वीडियो में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी किराना स्टोर खोलना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि कितना मार्जिन है, कितना साबुन में बेचने पर प्रॉफिट होता है, कौन सा साबुन ज़्यादा बिकता है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और उसकी लागत कम से कम फंसेगी, क्योंकि उसको शुरुआत में घाटा होने से बचा सके। हमारा यही मकसद होता है वीडियो बनाने का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।